नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हफ्ते में 4 दिन काम 3 दिन आराम, ये बात किसी भी नौकरी पेशा वाले को रोमांचित कर सकती है, खासतौर से मंडे को। दरअसल ब्रिटेन की 61 कंपनियों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस फॉर्मूले को अपनाया था। अच्छे नतीजों को देखकर 18 कंपनियों ने तो इसे स्थायी तौर पर लागू भी कर दिया। फिलहाल दुनिया के तमाम जो इलाके हैं वहाँ 4-day week को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर हम चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले 4-day week पर चर्चा करेंगे, इसके फायदे नुकसान पर बात करेंगे, जानेंगे कि किन किन इंडस्ट्रीज को इससे फायदा मिला है, इसे आसानी से लागू किया जा सकता है किन किन सेक्टर्स में, साथ ही भारत में इसकी संभावनाओं पर करेंगे एक्सपर्ट से बात। लेकिन सबसे पहले देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट, लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। चार दिन जमकर काम और फिर 3 दिन आराम, यानी 3 दिन की छुट्टी में परिवार के साथ जी भरकर मौज मस्ती और सैर सपाटा, ये ख्याल ही अपने आप में सुकून देने वाला है, रोमांचित करने वाला है। दुनिया भर में 4-day week को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल 4-day week पैटर्न पर पूरी दुनिया की करीब 350 कंपनियां काम करना शुरू भी कर चुकी हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन में 61% कंपनियों ने पिछले साल जून से लेकर दिसंबर तक 4-day week का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इसमें करीब 3,000 कर्मचारियों को शामिल किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट के जो नतीजे आए वो बेहद उत्साहजनक रहे। स्टडी में शामिल 61 में से 18 कंपनियों ने 4-day week के फॉर्मूले को स्थायी तौर पर अपना लिया, जबकि कम से कम 56 कंपनियों ने इस फॉर्मूले पर काम करना जारी रखा। स्टडी में शामिल 3 कंपनियां इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गईं, तो 2 कंपनियां फिलहाल तय नहीं कर पाई कि उन्हें 4-day week लागू करना चाहिए या नहीं। हफ्ते में 4 दिन काम के रुझान की बात करें तो ब्रिटेन में करीब 80% लोग और अमेरिका में करीब 66% लोग इसके पक्ष में हैं। वहीं बेल्जियम में कर्मचारियों के पास अधिकार है कि हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन में से कोई व्यवस्था चुन सकते हैं। वहीं दुनिया की दिग्गज कंपनी यूनिलीवर ने 4-day week को पायलट प्रोजेक्ट के तहत न्यूजीलैंड में चलाया। इसके परिणाम बेहद अच्छे रहे, यही देखकर कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में भी इस पायलट प्रोजेक्ट को चला रखा है। इसके फायदे की बात करें, स्टडी में कुछ कंपनियों ने पाया कि छोटे शेड्यूल में काम करने से एक तो कर्मचारियों ने हेल्दी और खुशहाल महसूस किया, कई कंपनियों ने पाया कि इस व्यवस्था से उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में भी 34% की गिरावट आई है, कर्मचारियों के तनाव में कमी आई है, उनका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, कंपनियों की लागत में खर्च में कमी के साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी कमी आने से प्रदूषण कम हुआ है। वहीं जापान में 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक हफ्ते में 4-day working की शुरुआत की थी, उसके कमाल के नतीजे आए थे। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी ही, साथ ही उनकी बिजली की खपत 23% कम हो गई और प्रिंटर पेपर की खपत में करीब 60% की कमी आई। इसके नुकसान की बात करें तो ये फॉर्मूला खासकर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए चुनौती साबित हो सकता है, जिसका काम राउंड द क्लॉक चलता है। इससे इनके कारोबार पर बुरा असर पड़ने की आशंका रहती है, क्योंकि नए पैटर्न पर काम करने के लिए इन्हें नई भर्तियां करनी पड़ेंगी, जो उनके लिए महंगा साबित होगा। फिलहाल भारत में 4-day week को लेकर कोई स्टडी सामने नहीं आई है जिससे काम के साथ रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के प्रमाण मिल सके, लेकिन दुनिया में 4-day week को लेकर जो बहस छिड़ी है उससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता। आने वाले दिनों में मल्टीनेशनल कंपनियां यहां भी 4-day week को लेकर ट्रायल शुरू कर सकती हैं, लेकिन कब, इसे लेकर इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं सुनील चेमन कोटिल साहब, जो कि सीईओ हैं टीम लीज डिजिटल के। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रजनीश सिंह साहब, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर के। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ हैं। प्रांशु उपाध्याय, रीजनल डायरेक्टर हैं माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करने, और आज जैसे मैंने कहा कि मंडे को कई लोग इसे खुशखबरी के तौर पर भी देख रहे हैं, खुशखबरी तो हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि खबर नहीं है कोई कि इंडिया में लागू हो रहा है, लेकिन खुशखबरी इस तरह से है जो कि खुश फहमी जरूर पैदा कर सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनीज है, खासतौर से ब्रिटेन में जो सर्वे हुआ है वहां पर 92% कंपनीज जो है वो कह रही है कि साहब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम 4-day work week कल्चर अपनाने को तैयार हैं। तो अब चूंकि आजकल तो ये रवायत है कि कोई अगर कॉन्सेप्ट कहीं का आता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अगर ना मिले
तो फिर वो आइडिया आइडिया ही रह जाता है। तो क्या हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मुहर के तौर पे देखें? और आज मंडे को जो मंडे ब्लूज की बात की जाती थी, हम माने कि ये चर्चा शुभ हो, बहुत जल्दी 4 डेज वीक जो है उसका पदार्पण भारत में भी हो। बिल्कुल, देखिए 4 डे वर्क वीक का चर्चा तो काफी टाइम से है, और ये भी हम जानते हैं कि कुछ नॉर्डिक कंट्रीज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, और यूके के कुछ कंपनियों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और उसके शुरुआती नतीजे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इनकरेजिंग है। लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में ये अडॉप्ट कर सकते कि नहीं, ये अभी भी बहुत बड़ा बवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे देश में आप देखिए 5 डे वर्क वीक इटसेल्फ सब जगह पे नहीं है, काफ़ी कंपनियां अभी भी 6 दिन काम करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेबर 6 दिन 7 दिन भी काम करते हैं। तो हमारे सिस्टम में इसको लागू करने के लिए काफ़ी चेंजेस मैक्रो लेवल पे करना पड़ेगा, और लीगल और अपना लेबर लॉस भी चेंज करने पड़ेंगे, बल्कि ये एक मुद्दा है न्यू लेबर लॉ में, अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, जिसमें कहा गया है कि आप 4 दिन वर्किंग कर सकते हो लेकिन नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आपको उतने ही करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन है इंडिया में, ये अभी कुछ कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो गया है, ये खुशखबरी है, इंडिया में होगा कि नहीं होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, और कुछ कुछ कंपनियां इंडिया में भी लागू कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल में लागू करने के लिए काफ़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो मैं तो अभी वेट एंड वॉच करूंगा। हमारा ख्याल ये है कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी का पहले से ही चैलेंज है, तो अभी इसको अभी लागू करेंगे, पहले प्रोडक्टिविटी हम अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये नए चेंजेस से, और अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो एक मुश्किलें है। और दूसरी चीज, सभी इंडस्ट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में पॉसिबल है, जहां जहां पॉसिबल है वहां पे एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, और हमको कोशिश करना पड़ेगा इंडिया में प्रोडक्टिविटी सिमिलर रहेगा या फिर बढ़ सकता है, वो हमारे लिए भी एक चुनौती की बात है, हमको वो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। स्वाभाविक है, भारतीय जो इकोसिस्टम है, वर्कफोर्स जो है, वो जिस तरह से जहाँ कामकाज होता है उस हिसाब से ये पूरी की तरह ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पर कई अभी रिसर्चेज होनी बाकी हैं, ऑब्जर्वेशंस होनी बाकी है। बहरहाल सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, न्यू लेबर कोड में जो है सरकार का इंटेंशन साफ दिख रहा है कि हम तैयार हैं, बशर्ते कि प्रोडक्टिविटी प्रभावित ना हो और उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो भारत में तो देखिए बहुत चीज़ें हैं जो शायद अभी आनी बाकी हों, लेकिन उसके लिए एक लंबा वक्त लगे। लेकिन रजनीश सर, ब्रिटेन में ये 61 फर्म्स हैं जहां 4 डेज वीक कल्चर अपनाया गया, कम से कम 56 कंपनीज जो कि लगभग 92% हो जाता है, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो इसी वीक वर्क वीक कल्चर को अपनाएंगे, और इनमें से 18 कंपनीज ये कह रही हैं कि हम तो अब परमानेंट वर्क कल्चर इसको बनाने जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आज नहीं तो कल भारत में भी इसे लागू किया जाना अवश्यंभावी होगा? हाँ, जिस इंडियन वे की बात सुनील चमन कोटिल सर ने कही, वो इंडियन वे जो है वो थोड़ा सा परेशान तो करेगा, लेकिन संभवतः फ्यूचर शायद यही हो। सर देखिए दीपक जी, मैं सुनील जी की बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा था, और पहले तो हमें देखिए ये मान के चलना चाहिए कि हम लोग एक फास्ट डेवलपिंग नेशन है। तो जब मैं फास्ट डेवलपिंग नेशन की बात कर रहा हूँ तो उसमें कहीं पर इस समय राहत की मैं शायद कोई ऐसा विचार भी ना रखूं। हमारी उम्मीद ये रहेगी कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी काफी ग्रो करे रैपिडली अगले एक दशक में, और कहीं जाकर के एक दशक के बाद अगर ये 2030 के आसपास अगर इस तरह की चर्चा होती है इस देश में, तब शायद हम लोग काफी तैयार रहेंगे। तब भी मेरा मानना होगा कि इसको काफी लोग काफी सोच समझ करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हैं काफी चीजों पे। तो सैलरीज पे है, वेज बिल के ऊपर है, स्टाफिंग के ऊपर है, और जैसा हमने सुना कि लेबर लॉस के ऊपर भी है। तो एक पूरा एक
फ्रेमवर्क पूरा चेंज करना पड़ेगा या उसको तैयार करना पड़ेगा, ताकि जो सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी 5 मिनट से कि प्रोडक्टिविटी पे कोई असर ना पड़े, और जहां आप एक फास्ट डेवलपिंग नेशन है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी हैज टू बी नंबर वन एज अ पॉइंट फॉर एनी कंपनी। तो मैं मानता हूं कि ये सोच अच्छी है, और जैसा कि होता है कि हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी से ही ज्यादा चीजें सीखते हैं, तो ये डेफिनेटली ध्यान रखने लायक चीज है। एम्प्लॉयर्स लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, मगर समय शायद अभी नहीं है हमारे देश के लिए इसको अप्लाई करने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको एम्ब्रेस करने के लिए। शायद हम लोग अभी कुछ साल और दूर हैं, मगर इस पे चिंतन होना, इस पे बातचीत होना बहुत सही रहेगा। एब्सोल्युटली, स्वाभाविक रूप से इस पर अभी चिंतन मनन करना बड़ा आवश्यक है। और जैसे रजनीश सर ने कहा कि लगता तो है, बड़ा बड़ा अच्छा भी लगता है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब हम मीटिंग में इस टॉपिक को डिसाइड कर रहे थे तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हाँ हाँ इस पे डिस्कशन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सबको जो है बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन असली जो ग्राउंड रियलिटी है कई बार वो शायद अलग होती हैं। हमें जो वास्तविकता है उसकी परिपाटी पर हर चीज़ को आँकना होता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अभी थोड़ा समय लगेगा, जल्दबाजी होगी ये कहना कि इसको तुरंत लागू कर दिया जाए। हमारे यहाँ देशकाल परिस्थिति संभवतः ऐसी नहीं है, और जैसे रजनी सर कह रहे हैं कि क्योंकि हम डेवलपिंग हैं, हम एक ग्रोइंग स्टेज में हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना भी कई बार जो है वो शायद मुश्किलात से भरा होता है, तो संभवतः कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन प्रांशु, आपके आसपास जहाँ आप बातचीत कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका इंटरेक्शन है इंटरनेशनल डोमेस्टिक, वहाँ पर क्या बातचीत चल रही है? मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पूछ रहा हूँ। वहाँ पर क्या बात हो रही है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं लोग, ना बोल रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? सर देखिए, थोड़ा समझने की बात है कि इंडिया तो हमेशा से ही इन चीजों पे डिस्कशन में काफी आगे रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम थोड़ा टाइम लगा जाते हैं। अगर आप इन बातों को देखेंगे तो नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क जैसी कंट्रीज हैं, इनमें एक्चुअली वर्क आवर्स और वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 22 से 25 घंटे हैं, और ये करीब करीब सबसे ज्यादा उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी जिसे आप कहना चाहेंगे उसमें ये आती हैं। इंडिया में करीब करीब नंबर ऑफ एवरेज वर्किंग आवर्स 41 के करीब हैं, जो कि काफी नीचे आता है। करीब 3 या 4 ही देश हैं जो इंडिया से ज्यादा काम करते हैं घंटों के हिसाब से। तो देखिए, एक्सेप्टेंस तो ये तो काफी एक रोमांचक बात है करना डिस्कशन में, लेकिन अभी हम काफी दूर हैं, क्योंकि हमारा जितने भी क्लाइंट फेसिंग बिजनेसेस हैं उसमें अलाइनमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप 4 डेज वर्क वीक कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स भी 4 डेज वर्क वीक करें, और इस तरीके की संभावनाएं अभी भारत में थोड़ी सी दूर है। जैसे मैं सरकार की बात कहना चाहूंगा, जिसने कि इस तरीके के लेबर लॉज लाए हैं और वो कम्प्लीटली ओके हैं, उनका एक अपना अलग से नजरिया है। अगर आप 3 दिन घर पे रहते हैं तो आप घर पे तो रहेंगे नहीं, आप बाहर जाएंगे, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप वेकेशन पे जाएंगे, आप यूज करेंगे सर्विसेज वगैरह का, जिससे कि इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट मिलती है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी इस कैवियाट के साथ इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी कि आपके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 12 घंटे के रहेंगे फोर वर्क डे वीक में, और आपकी सैलरी भी कम हो जाएगी, जिससे कि एक तरीके से एम्प्लॉय जनरेशन भी हो सकता है उन 3 दिनों के लिए जब आप काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, माइकल पेज ने भी एक सर्वे किया था जिसमें कि कंपनी कल्चर सर्वे हम इसको बोलते हैं, जिसमें कि हमने एपैक के अक्रॉस 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज से ये पूछा था कि किस तरीके से उनको 4 डे वर्क वीक या 5 डे वर्क वीक होता है। तो उसमें करीब करीब 35% लोगों ने ये बोला कि 4 डे वर्क वीक जो है वो एक प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन उसके अलावा करीब करीब 27 से 30% उन्होंने बोला कि कोई हार्ड फास्ट रूल्स ना हो वर्क के, जब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी को इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई एज कम्पेयर टू कि 4 डे वर्क वीक है या 5 डे वर्क वीक है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन ये है कि ऐसे प्रयोग होते रहने चाहिए। जैसा कि रजनीश जी ने भी कहा, हम काफी प्रोडक्टिव इकोनॉमी है, हम काफी डिपेंड करते हैं आउटसोर्सिंग पे, जो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आती हैं। तो हमें अभी तो ये थोड़ा सा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा दूर है, लेकिन देखिए अभी ये तो वक्त ही बताएगा। 1926 में हेनरी फोर्ड ने ये शुरू किया था 5 डे वर्क वीक का कॉन्सेप्ट, और भारत में आते आते इसको सन 2000-2005 तक हो गया, और अभी भी कुछ कंपनी 6 डे वर्क वीक पे हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि ये एक दिन ये पूर्णतः संभावना होगी। बिल्कुल, और मैं इसके ना इंटरनेशनल देख रहा था, ब्रिटेन का तो हमने जिक्र किया, 2 और कंट्रीज है जिसके मैं डेटा पढ़ रहा था, स्पेन और इटली। रॉयटर्स के हवाले से मैं ये आपको डेटा दे रहा हूँ,
तो स्पेन में जो है वहाँ की एक टेलीफोनिका एक कंपनी है जो टेलीकॉम जायंट है वहाँ का, तो उन्होंने ऑफर तो किया एम्प्लॉयज़ को 4 days week, लेकिन कहा कि साहब 12% सैलरी काट देंगे आपकी, तो वहाँ पर ये चॉइस दी गई है। तो थोड़े से इसमें इफ्स एंड बट्स भी हैं। उसी तरह से इटली ने भी कहा, लेकिन इटली का जो इंटेंशन है, जो इटली की जो कंपनीज हैं वो कह रहे हैं कि हम 4 week इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए शायद हमारे पास उतना प्रेशर हम झेल नहीं पाएंगे, तो ऑफिस के बिल्स क्योंकि कट करने हैं इसलिए एम्प्लॉयज को घर भेज दो, उनको 4 दिन बोलो कि आप ऑफिस आओ तो हमारे ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेंगे। यानी कि स्वार्थहीन 4 दिन, ऐसा कहीं कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा कि कंपनी बोलेगी कि साहब कोई बात नहीं, आप ऐश कीजिए, जाइए, आप मेंटल पीस में रहिए। तो इसीलिए जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, तो इसीलिए शायद भारत में समय लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कहा कि भैया आप आइए और आपको एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई। कुछ ना कुछ जरूर लगाएंगे वो पेच जो कि बाकी दुनिया में भी लग रहे हैं, अब कई लोग उन्हें समझ पा रहे हैं, कई नहीं समझ पा रहे हैं। तो 4 दिन काम और 3 दिन आराम, इसी पर कर रहे हैं हम आज चर्चा। ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो काफी एक्साइटेड हैं और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। सबसे बड़ी बात ये जो क्रक्स इसे कह सकते हैं, ब्रिटेन में जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है उसका क्रक्स ये है कि 4 दिन का जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने रखा उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं नजर आया, और यही वजह है कि 56 जो कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि हम इसे आगे लागू जरूर करेंगे, और 18 कंपनीज तो कह रही हैं कि साहब शुभश्च शीघ्रम, तुरंत इसे लागू कर दिया जाए, इससे बढ़िया सिचुएशन तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन सुनील सर, मेरा सवाल आपसे है जो बड़े सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सर कि नया नया कॉन्सेप्ट है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो के, और ऐसा ना हो कि मौका हाथ से छूट जाए, शुरू शुरू में कॉन्सेप्ट आया तो ज्यादा काम हो गया, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम हो गया, एकदम इन एंड आउट डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, और धीरे धीरे एक सेंस ऑफ लेथार्जी जो आता है फिर वो आ जाएगा, ह्यूमन टेंडेंसी, ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिश के जो एम्प्लॉई हैं वो ये कर रहे हो? देखिए, इस सवाल मैं 2 पार्ट में आंसर करूंगा। एक तो अगर हम 1 साल पहले की बात देखेंगे जब यहाँ इंडिया में कोविड की सिचुएशन थी और वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन आ गया था, प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गया था, सब लोग घर पे बैठ के 8 घंटे के बजाय 12-12, 14-14 घंटे, कोई कोई तो 15 घंटा काम कर रहे थे क्योंकि कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं था उनके पास, सो सिर्फ काम एक ही बचा हुआ था और बाकी घर का खुद का काम था, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। बाद में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्टिविटी घटने लग गया और सभी कंपनियों ने ये कह दिया कि 3 डे ऑफिस आना चाहिए, या फिर काफ़ी कंपनियों ने तो बोला कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नहीं है, सबको ऑफिस आना पड़ेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ट्रेडिशनली डिस्ट्रैक्शंस हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, और कोई भी नई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बाद में हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो पहला एक इश्यू है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 3 decades में इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन, यंग वर्किंग पॉपुलेशन आने वाला है। अभी देखो आपका 500 मिलियन वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका अगर 1.1 बिलियन वर्किंग पॉपुलेशन होने वाला है बाई 2047। जब ये यंग पॉपुलेशन को अगर आप 4 ही दिन काम करने के लिए बोलोगे तो उसका क्या फ़ायदा? इंस्टेड आप वो एक जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बोला कि अभी अगले 10 साल तो हमको ये पूरा प्रोडक्टिव टाइम है हमारे लिए, और यूथ भी आ रहे हैं, जबकि जिन कंट्रियों में ये 4-day work week और ये थोड़ा आराम वाला पॉलिसीज आ रहे हैं वहां पे जेरियाटिक पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन तो है ही नहीं, तो उनके लिए शायद ये इमीडिएटली अप्लीकेबल है। लेकिन इंडिया के लिए मैं सोचता हूँ कि एक तो चैलेंज है अपना प्रोडक्टिविटी का, दूसरा है अपना यंग पॉपुलेशन और बढ़ने वाला है और डबल होने वाला है अपना वर्किंग पॉपुलेशन, तो उनको इफेक्टिव यूटिलाइज करने के लिए आप बोलोगे कि आप बहुत यंग हो लेकिन आप 4 ही दिन काम करो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। मैं तो इस पक्ष में हूं कि अभी ये नेक्स्ट 1-2 decades में अपने को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव करके हम डेवलप्ड नेशन बनने की ओर बढ़नी चाहिए, और 2047 तक तो वी शुड बी ए सुपर पावर, एंड दैट वो तभी हो सकता है जब हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और हम टैलेंट वर्ल्ड का टैलेंट पूल हो जाएंगे। एब्सोल्युटली सर, ये बात तो आपने सही बोली। और रजनी सर, अभी इंडिया में हम देखते हैं अभी तो 4 डे छोड़िए, अभी तो 5 days week कल्चर ही ढंग से अडॉप्ट नहीं हुआ है। अभी तो बहुत सारे शहरों में, छोटे शहरों में और स्टेट के जो दफ्तर हैं, सेंट्रल ऑफिसर्स को अगर छोड़ दें, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, तो सरकारी अधिकारियों के लिए तो 6 दिन का हफ्ता है।
और एक दिन भी उन्हें मिल पाता है नहीं मिल पाता है वो भी हम जानते हैं कि वर्कलोड किस तरह से बढ़ रहा है। इसी तरह से कॉर्पोरेट में भी सारे के सारे कॉर्पोरेट नहीं है जो 5 days week ऑफर कर रहे हैं, वहां पे भी ज्यादातर जगहों पे अल्टरनेटिव वीक सिस्टम है, आपको दूसरे हफ्ते में जो है वो 5 दिन का हफ्ता मिलेगा, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। ऐसे में 4 दिन का ये जो सपना है सबका, जो चाहता है हर कोई जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, तो जैसा आपने कहा मैं उसी के कंटिन्यूएशन में आपसे पूछूंगा और किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य से, क्या एक हैप्पियर और मोर फुलफिल्ड लाइफ जो कहते हैं वो शायद मिल जाए, लेकिन काम पर जो प्रोडक्टिविटी का असर जो ब्रिटेन में हमें नहीं दिख रहा है वही क्या स्थिति यहां पर हो सकती है, वही प्रोडक्टिविटी, वही अप्रोच, वही इंटेंसिटी? देखिए अच्छा सवाल है आपका और हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए जो देश इस वक्त बात कर रहे हैं 4 day week का, कहीं ना कहीं उन्होंने कई सदियों से एक मुकाम पे अपने आप को पहुंचाया है जहां पर कि वो इस तरह की एक इजी डिसीजन शायद ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे जितने क्लाइंट्स हैं आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतना इतरा रहे हैं कि अगर ये 4 Saturday वर्किंग में से अगर हम 2 भी Saturday ऑफ करें तो यार काम कैसे होगा। तो हमारे यहाँ बात कुछ अलग है, इंडियन कंपनीज में काफी जगह 6 day वर्किंग है, काफी जगह आप मान के चलिए फैक्ट्रीज जो हैं वो 6 day वर्किंग पे काम करते हैं। आप सेल्स वालों को देखेंगे या उनके लिए भी कोई मोहलत नहीं है ऐसा कि सैटरडे को आप बिल्कुल मार्केट ना जाएं। मेरा मानना ये, और आप मॉल्स को देखिए, मॉल सारे भरे रहते हैं वीकेंड पे, आप इमेजिन करिए कि हर शॉप्स खुले हुए हैं। तो ये मानना कि इस वक्त कि हम इस बारे में सोच भी सकें बड़ी ये अच्छा लगता है बात करने में, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि और 2-3 जो पॉइंट ऑल्सो सुनील जी ने भी जो बोला कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इसको बहुत जल्दी में अपना ले और कहीं हम अपनी प्रोडक्टिविटी पर्पस को मिस कर जाएं तो वो बहुत ही बड़ा लॉस होगा। और मेरा ये मानना है कि जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जनरेशन है, जो करेंट जनरेशन है, उनमें जज्बा काफी है, उनको काफी यकीन है, वो चाहते हैं कि अपना अपना बिजनेस शुरू करें। तो ऐसे माहौल में हमें तो पूरा बढ़ावा देना चाहिए कि आप जितना प्रोडक्टिव रहें, जितना अपने आप को काम में डुबा के रखें और साथ साथ एक बैलेंस भी बना के रखें। बट मैं मान के चलता हूं कि अभी 5 day week 6 day week का एक मिश्रण चलेगा हमारे देश में कुछ और समय तक, बिल्कुल, और एकदम से नहीं होगा। प्रांशु, मैं देख रहा हूं कि मैं ये तो बहस जो है वो मेरे ख्याल से 1960-1970 के दशक से चल रही है। मैं जब डॉक्यूमेंट्स खोज रहा था तो मेरे को 1975-74 के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, बीजे हॉज और रिचर्ड डी टीलर के जर्नल्स हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं। तो ये अगर इतना आसान होता तो 60-70-80-90 कब के दशक में हो जाता, जिस समय हम इतने परिवर्तन के दौर से गुजरे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, शायद इसी वजह से एकदम से इसको लागू करना थोड़ा टेढ़ी खीर भी होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए इंडिया तो एक कंजम्पशन इकोनॉमी है और अभी जैसे बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं हमारा वर्किंग पॉपुलेशन काफी यंग है यहाँ पे, तो आप अगर एक मशीनरी आपकी फुल कैपेसिटी पे चल सकती है तो आप उसको क्यों कॉम्पनसेटरी एंगल में जा रहे हैं। काफी कंट्रीज में वर्किंग पॉपुलेशन एजेड है, उनको तरह तरीके के रिस्ट्रिक्शन है, और मैं तो सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में ये भारत का एक बहुत ही बड़ा कंपेटिटिव एज होगा कि हमारी, और आज भी है कि वर्किंग पॉपुलेशन हमारी यंग है, और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी भी ऑफ द चार्ट्स हुई या काफी ऊपर हुई तो आप देखेंगे कि ये जो बाकी देश जिन देशों की आप अभी बात कर रहे हैं जहां पे कि काम अब 4 दिन होगा, वो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा काम आउटसोर्स करना उन क्षेत्रों में भी शुरू करें जहां पे कि आउटसोर्सिंग अभी नहीं हो रही है। तो इंडिया के लिए वो एक डेफिनेटली बूस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो वो एक है ही। और इसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए बहुत ही बड़ा माइंडसेट शिफ्ट भी चाहिए। अभी हमारी मानसिकता जिस तरह से है कि ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ज्यादा आउटपुट निकलेगा, हम अभी वहां पे नहीं पहुंचे हैं। अभी थोड़ा सा वहां पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, कि जिस हिसाब से हम चाहेंगे कि कम घंटे हम काम करें और ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी हो। अभी मेरे ख्याल से बैलेंस जहाँ पे 5 day working week का है बहुत ही अच्छा बैलेंस हमने स्ट्राइक किया हुआ है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। हम रिक्रूटमेंट में ये भी देखते हैं कि जिन कंपनीज का 6 day working week है वहां पे कैंडिडेट्स को थोड़ा हेजिटेशन है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि 5 days working week अभी एक हाइजीन फैक्टर बन चुका है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तो हम मेंटेन करें, और उसमें भी हाइब्रिड वर्किंग आने के बाद आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में हम अच्छा ही कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ये तो डिबेट 1926 से था 5 डे वर्किंग वीक का, और कहीं अब 2000 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, तो ये भी बातें करने की अच्छी है। मेरे ख्याल से ये डिस्कशन होता रहना चाहिए, क्योंकि इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं, और अलग अलग लेयर्स आएंगी, अलग अलग लेयर्स आएंगी। और हमको एक चीज और नहीं भूलना चाहिए कि भारत में जो एक बड़ा तबका है जहां पर अब स्थिति यह है कि देखिए छुट्टी जो है लग्जरी नहीं है लोगों के लिए। आज भी अगर आप गिग इकोनॉमी में चले जाएंगे तो उनको अगर ऑप्शन मिले तो वो 24/7 काम करने को तैयार है, बिकॉज दे नीड मनी। तो उनके लिए तो ये ऑप्शन है ही नहीं कि मेरे को 4 दिन काम करना है या 3 दिन काम करना है, लग्जरी नहीं है। वो चाहते हैं कि 7 के 7 दिन काम करें, क्योंकि मजबूरी ऐसा है कि पैसे कमाना है। लेकिन वहीं हमारे पास दुनिया के जो अलग अलग आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो भी हैं। अब देखते हैं कि भारत में कब, कैसे, किस रूप में इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन फिलहाल ये जो प्रश्न है कि भारत में क्या 4 दिन का काम जो है वो हो पाएगा, तो इस ये जो प्रश्न है इसका तो उत्तर जो है अनिर्वचनीय जिसे कहा जाता है, अभी ये व्याख्या के योग्य नहीं है, इसका उत्तर अभी कुछ नहीं है। तो थोड़ा इंतजार, और तब तक हमारी चर्चा जारी रहेगी, मंथन जारी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सुनील सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच रजनी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रांशु, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा, में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।